डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ की चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहन चोरी व उन्हें खपाने के लिए बदनाम सोतीगंज के बाजार को खत्म करने की यादों को हवा दे दी। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस व रालोद ने मेरठ को सोतीगंज जैसी कालिख दी थी। भाजपा की सरकार सूबे में आई तो मेरठ से सोतीगंज का कलंक समाप्त हो गया। आज प्रदेश में शांति है और सौहार्द भी। आज प्रदेश की पहचान सुशासन, विकास, राष्ट्रवाद की पहचान के रूप में हो रही है। आज यूपी उपद्रव बर्दाश्त नहीं करता। आज यहाँ कर्फ्यू के लिए स्थान नहीं है। आज कर्फ्यू की जगह कांवड़ यात्रा ने ले ली है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज नगर निगम मेरठ के मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया व पार्षदों के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व वह हेलीकॉप्टर से मेरठ पुलिस लाइन पहुंचे थे। यहां से कार द्वारा वह सीधे जिमखाना मैदान पहुंचे और स्वागत की औपचारिकता के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। देखिए, 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण उनका उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे, कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे और गरीबों की योजनाओं में डकैती डाल करके अपने और अपने बुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब का चेहरा देख करके नहीं, उसकी जाति देख करके नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको योजनाओं का लाभ मिलना ही है। 2014 के पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा अलग थी और 14 के बाद उस सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है और अराजकता की जड़ भी है। और इस अराजकता की जड़ पे जब अब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आधार के साथ आगे बढ़ता है। आज हम सब आपके पास आए हैं, मेरठ से बात छुपी हुई नहीं है। ये सपा बसपा लोकदल कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की कालिख दी थी। और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोतीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहाँ पर सौहार्द भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।